मॉर्निंग टू ऑल माई डियर किड्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर होम. सो टुडे आई गरिमा, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल. किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द न्यू चैप्टर इन इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 5, जेंडर. कम टू द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जेंडर. ओके, यू नो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड. आप लोगों को पता है कि नाउन्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. नाउन कैन बी डिफरेंट काइंड के नाउन होते हैं. कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. ठीक है, नाउन मे नेम पीपल, थिंग, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स और इवन फीलिंग्स. इतना सब हमें पहले ही पता है क्योंकि हम नाउन के चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं. नाउ एक्सरसाइज, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग: किंग, क्वीन, कॉक, हैन, गर्ल, बॉय, टाइग्रेस, टाइगर. तो ये होते हैं बेटा हमारे जेंडर. जेंडर जो होते हैं वो हमेशा टू टाइप के होते हैं. ठीक है, मेल, फीमेल, यानी कि बॉय, अंकल, गर्ल, आंट. तो यहाँ पर हमने सेम वही एक्सरसाइज करी है. किंग हमारा मेल हो गया, मैस्कुलिन, एंड क्वीन हो गया हमारा फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर, एंड मैस्कुलाइन जेंडर. मैस्कुलाइन मींस बॉय वाले, जो बॉय अंकल होते हैं, और फेमिनाइन मींस गर्ल्स और आंट वाला. ठीक है, नाउ अंडरलाइन द नाउन. ये आप खुद करेंगे. जैसे कि माई कज़न इज़ अ डॉक्टर, कज़न एंड डॉक्टर. द बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर, बुक, फ्लोर. द रेस्ट यू विल डू इट बाई योर सेल्फ. नाउ नाउन दैट रेफर्स टू मेल. अभी जो मैंने आपको बताया, जो नाउन होते हैं जो मेल्स को रेफर करते हैं, आर सेट टू बी मैस्कुलाइन जेंडर. उनको क्या बोला जाता है? मैस्कुलाइन जेंडर बोला जाता है. जैसे कि बॉय, ब्रदर, किंग, नेफ्यू, पीकॉक. नाउन्स दैट रेफर टू फीमेल. अब जो नाउन जो होते हैं जो फीमेल को रेफर करते हैं, आर सेट टू बी फेमिनाइन जेंडर. उनको क्या बोला जाता है? फेमिनाइन जेंडर बोला जाता है. जैसे कि गर्ल, सिस्टर, क्वीन, नीस और पीहन. पीकॉक का पीहन, नेफ्यू का नाइस, किंग का क्वीन, ब्रदर का सिस्टर, बॉय का गर्ल. नाउ नाउन दैट रेफर टू अ नॉन लिविंग थिंग. जो नॉन लिविंग थिंग को रेफर करते हैं वो होते हैं न्यूट्रल जेंडर. जैसे कि बॉल, बैग, बुक, कैप, टेबल, हाउस. नाउन्स दैट रेफर टू बोथ मेल और फीमेल. जो दोनों को रेफर करते हैं उनको बोलते हैं कॉमन जेंडर. जैसे कि फ्रेंड. अ फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. कज़न मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. नेबर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. चिल्ड्रन मेल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, फीमेल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं. स्टूडेंट गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है, बॉय चाइल्ड भी हो सकता है. Now circle the noun in the box with follow these instruction. देखिए, masculine को आपको green crayon करना है, feminine को आपको red crayon करना है, common को आपको blue crayon करना है, और neutral को आपको black crayon करना है. Now teacher जो है वो हमारा common noun है. वो जो है हमारा मेल भी हो सकता है और फीमेल टीचर भी हो सकता है. तो कॉमन नाउन को हमें ब्लू क्रेयॉन से करना है, तो हम इसको ब्लू क्रेयॉन से कलर कर देंगे. आंट, आंट जो हो गई हमारी फेमिनाइन जेंडर हो गई, तो इसको हम रेड से कर देंगे. नाउ
टाइगर्स, टाइगर्स फीमेल वो हो गए मैस्क्यूलाइन, तो इसको हम ग्रीन से कलर कर देंगे। नाउ रूस्टर, रूस्टर जो हो गया हमारा न्यूटर जेंडर हो गया, इसको हम ब्लैक से कलर कर देंगे। लाइक दिस यू हैव टू फिल ऑल। ओके नाउ कम टू द मैच द फॉलोइंग, पुलिस मैन, पुलिस वुमेन, गॉड, गॉडेस, देव, देवी, प्रिंस, प्रिंसेस। रेस्ट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ कम टू द रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द वर्ड इन कलर इनटू द अपोजिट जेंडर। देखिए आपको क्या करना है, जो कलर में है उनको अपोजिट जेंडर में चेंज करके आपको उसका सेम सेंटेंस लिखना है। माय आंट इज एन एक्ट्रेस, माय अंकल इज एन एक्टर, शी प्लेड द पार्ट ऑफ हीरोइन इन मैनी फिल्म, ही प्लेज द प्लेड द पार्ट ऑफ हीरो इन मैनी फिल्म, हेयर माय सिस्टर हैज फोर डॉटर। आप क्या लिखेंगे, माय ब्रदर हैज फोर सन्स, दे आर माय नाइस नीज, दे आर माय नेफ्यूज, लाइक दिस। द लैंडलेडी वॉन्ट्स टू सी योर वाइफ, द लैंडलॉर्ड wants to see your husband, like this you have to do the rest, okay?